मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 12 जनवरी को जशपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप सिंह जुदे की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। पूर्व राज्य मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता कृष्ण कुमार राय ने बताया कि देश में धर्मांतरण के विरोध में ऑपरेशन घर वापसी का संचालन करने वाले जुदेव ने जशपुर जिले को पूरे देश में अलग पहचान दी है। जुदेव की यादों को चिरस्थायी बनाने के लिए उनकी भव्य प्रतिमा स्थापित की जा रही है। जशपुर के रणजीता स्टेडियम के पास इस प्रतिमा के लोकार्पण के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने अपनी सहमति दे दी। जशपुर नगर पालिका के उपाध्यक्ष राजेश गुप्ता ने बताया कि कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी का मूर्ति का अनावरण 12 जनवरी को निश्चित हुआ है। बड़े सौभाग्य की बात है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान के द्वारा 12 जनवरी को मूर्ति का अनावरण होगा और हमारे पूरे जिलेवासियों के लोगों में हर्ष व्याप्त है और इसकी सारी तैयारियां भी कर ली गई है हमारे नगर पालिका के द्वारा भी। और कुमार साहब एक ऐसे शख्सियत थे जो जिनको जिनके बारे शब्द भी कम पड़ जाएंगे उनके बयान के लिए। रमेश शर्मा हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। रमेश जी, जो आयोजन होने जा रहा है वो क्या कुछ आयोजन होगा और प्रदेश के कौन कौन से बड़े बीजेपी के नेता इसमें शामिल होंगे? ये वर्ष 2013 में जुदेव के निधन के बाद में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने जशपुर पहुंचकर उनकी उनकी उनके कार्यों को और उनके वनवासियों के प्रति उनकी जो सेवा भावना थी और इसके साथ साथ उन्होंने जशपुर को ग्रीन जशपुर बनाने का एक जो संकल्प लिया था, उन सारी चीजों को देखते हुए उन्होंने यहाँ के लोगों की भावना को के अनुरूप यहाँ पर उनकी प्रतिमा स्थापित करने का उन्होंने घोषणा की थी। उसी के तहत ये रणजीता स्टेडियम के समीप में दिलीप सिंह जुदेव की आदमकद प्रतिमा स्थापित की गई है जिसका लोकार्पण के लिए दिलीप सिंह जुदेव के अंतरंग मित्र माने जाने वाले। चलिए, तो शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर पहुंच रहे हैं, ऐसे में ये माना जा सकता है एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है। रमेश, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।